हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सबका टॉपर में। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित मानवीय करुणा की दिव्य चमक। और यही चैप्टर जो है, हम लोग पिछले वाली वीडियो में भी हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया है, जिसमें हमने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बारे में डिस्कस किया है ना, कि यहाँ से क्या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। साथ ही में ये वाला हमने देखा है ना, और उसके साथ ही साथ जो है मानवीय करुणा की दिव्य चमक का फर्स्ट पेज हम समझ चुके हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं फादर कामिल बुल्के के बारे में, है ना। और मैंने बताया था कि उनके घर में कौन कौन है, दो भाई एक बहन, पिता, ये माँ पिता सभी हैं उनके घर में, ये मैं बता चुकी थी। यहाँ तक हमारा हो चुका है। और साथ ही में इसमें आपको बताती हूँ कि जब भी आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हैं तो आपको मेरे एक क्वेश्चन का कमेंट जो है सबसे फास्ट, सबसे पहले किसका आता है, मैं इस चीज़ की उसमें रहती हूँ। तो बेसिकली आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो यही है कि लखनवी अंदाज जो हमने पाठ पढ़ा है इससे पहले, है ना, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर आपको सारे काव्य खंड के जो क्षितिज पुस्तिका है उसके काव्य खंड के सारे पाठ मिलेंगे, साथ ही साथ में गद्य खंड के इससे पीछे के पार्ट्स मिल जाएंगे। और धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगी एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको पूरा का पूरा जो है बुक वो क्षितिज की वो आपको इस पर अवेलेबल हो हमारे चैनल पर, ठीक है। तो आपको मैंने जो पढ़ाया था लखनवी अंदाज, उसमें आपको ये आंसर देना है कि लखनवी अंदाज जो टाइटल है इस निबंध की जगह, क्योंकि हमने एक निबंध पढ़ाया लखनवी अंदाज, ठीक है, तो उस निबंध की जगह आप दूसरा क्या टाइटल उसको दे सकते हैं। तो आपको एक वर्ड, दो वर्ड, थ्री वर्ड्स, फोर वर्ड्स मैक्सिमम, इससे ज़्यादा बड़ा कोई टाइटल नहीं होगा। तो मुझे देखना है कि मैं सबसे पहले मुझे किसका कमेंट आता है, कौन सबसे ज़्यादा अटेंशन पे कर रहा है, और उसके साथ ही साथ कौन सबसे ज़्यादा फास्ट एंड फ्यूरियस है। तो जिस भी दिन देख रहे हो, इट डजेंट मैटर कि पब्लिश होने वाले दिन देख रहे हो, उससे कई महीनों के बाद देख रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने जब भी देखा आपको क्या करना है, कमेंट डालना है, ठीक है। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। ये आज हम सेकेंड पार्ट में ये पढ़ेंगे। पिक्चर डिस्क्रिप्शन मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया है, मैं सेकेंड पार्ट में बता दूँगी। और ये और इतना हमें पढ़ना है और फिर हमारे प्रश्न अभ्यास आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको अपने देश की याद आती है? लेखक और सर्वे जो कामिल बुल्के हैं उनके बीच में डिस्कशन चल रहा है, तो मैं बताती जा रही हूँ कि कौन सा लाइन लेखक ने बोली है। तो ये लाइन जो है वो लेखक ने बोली है, आपको अपने देश की याद आती है? तो वो बोलते हैं, मेरा देश तो अब भारत है। फिर वो कहते हैं, मैं जन्मभूमि की बात कर रहा हूँ। ये कौन कह रहे हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो कहते हैं, हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। आपको पता होनी चाहिए, हमने ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पढ़ा, जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पहले देख लो, क्योंकि हमने उसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। फिर घर में किसी की याद, ये वही पूछ रहे हैं लेखक। माँ की याद आती है, बहुत याद आती है, कामिल बुल्के उनको बता रहे हैं। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है, उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी, बहुत बार उनकी मम्मी जो थी उनकी चिट्ठियाँ उनके पास जो आती रहती थी, बता रहे हैं लेखक। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश, उनके अभिन्न मित्र कौन थे? डॉक्टर रघुवंश को उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में उनके जो है वो नहीं था। पिता व्यवसायी थे, व्यवसायी यानी कि बिजनेसमैन थे। एक भाई जो था पादरी, यानी कि वही प्रीस्ट हो गया, पादरी मतलब जो प्रीस्ट बन जाते हैं, चर्च वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है, तो प्रीस्ट हो गया। और दूसरा एक भाई जो है वो काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और ज़िद्दी थी, जो बहन थी उनकी, हमने पढ़ा था ना कि दो भाई एक बहन, तो बहन जो थी वो सख्त और ज़िद्दी थी, वो जो शादी के लिए बहुत उसका वो था, बहुत देर से जो है उसने शादी की। तो फादर को एक आध बार, यानी कि एक दो बार जो है फादर को लेखक बता रहे हैं उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद दो या तीन बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम भी वे गए थे, ठीक है, बता रहे बेल्जियम में रहते हैं ना, रेम्स चैपल बेल्जियम यूरोप में, ठीक है। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, कामिल बुल्के कहते हैं, आप सब छोड़कर क्यों चले गए? कौन कह रहे हैं? लेखक, जो मैं हाईलाइट करूँ वो लेखक कह रहे हैं, ठीक है। प्रभु की इच्छा थी, कामिल बुल्के जी बता रहे हैं। यह वह बालकों की सरलता से मुस्कुरा कर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। कौन बोल रहे हैं? कामिल बुल्के। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी। होता क्या है कि जब कोई सन्यास लेता है ना, तो उस समय वो कोई भी एक शर्त रख सकता है, तो वही वो बता रहे हैं कि उन्होंने एक शर्त रखी। संन्यास लेते समय सन्यासी कोई भी एक शर्त रख सकता है, तो उनकी शर्त क्या थी? ये क्वेश्चन आता है पेपर में, तो आपको पता होना चाहिए। उनकी शर्त थी कि मैं भारत जाऊंगा, यही उनकी शर्त
थी और ये पिक्चर डिस्क्रिप्शन भी साथ साथ में देख लेते हैं। ये है फादर कामिल बुल के, देखो गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती दाढ़ी, हमने पढ़ा था ना भूरी दाढ़ी थी उनकी, पिछले वाली वीडियो लेक्चर में अच्छे से डिस्कस कर लिया था उनका कैसे रेखा चित्र आप देंगे। तो ये उनका चेहरा यहाँ पे आपको दिखा रखा है और पिक्चर डिस्क्रिप्शन पिछले वाली वीडियो में भी हो रखा है और इसमें मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। ये कोई गोरा रंग है, सफ़ेद झाई मारती, बूढ़ी दाढ़ी, नीली आँखें, गले लगाने को आतुर, इस प्रकार से जो है उनका रेखा चित्र आपको मैंने बता दिया था। भारत जाने की बात क्यों उठी, नहीं जानता बस मन में यह था। अब ये क्वेश्चन भी आता है कि भारत ही क्यों आना चाहता, तो बेसिकली हम ये लिखेंगे इसमें कि उनको कल्चर भारत का उससे बहुत ज़्यादा वो था और हिंदी से उनका बहुत ज़्यादा लगाव था, हिंदी से काफ़ी ज़्यादा हिंदी को मान्यता दिलाना चाहते थे और उस बारे में अभी हम पढ़ेंगे भी, ठीक है। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए पहले। अब देखो इसको याद करने का एक तरीका जो मैंने भी अप्लाई किया था, मैं तुम्हें भी सजेस्ट करूँगी कि यहाँ से जो है ना पहले से यहाँ से शुरू करके तुम लगभग इस पेज को पूरा, मैं बताती जा रही हूँ कैसे लिखोगे तुम। एक वो लो, मैंने तो अपनी बुक के यहाँ पर देखो यहाँ पर जो गैप है ना इसी में लिख दिया था, इस गैप में। तो तुम भी कहीं कॉपी में या कहीं पर भी जहाँ तुम्हें जगह मिल रही है वहाँ पर लिखते जाओ, वरना तुम्हें चैप्टर हार्ड लगेगा क्योंकि इनके बारे में लिखा हुआ है ना तो तुम्हें हार्ड लगेगा। लेकिन पहले मुझे भी लगता था, लेकिन बाद में जब मैंने इसको इस रिटर्न फॉर्मेट में एक जगह पर लिख दिया ना, पॉइंटर्स बुलेट्स में लिख दो, तो उससे तुम्हें क्या होगा ना रिवाइज़ करने में, लर्न करने में भी आसानी होगी। तो मैं पहले से पढ़ देती हूँ और बता दी जाऊँगी साथ में तुम्हें कैसे कैसे लिखना है। तो सबसे पहले तुम लिख देना जिसेठ संघ में 2 साल पादरियों के भी धर्माचार की पढ़ाई की, और डैश करके लिख दो 2 साल पादरियों के साथ धर्माचार की पढ़ाई। फिर आगे लिख दो दार्जिलिंग और लिख देना 9-10 वर्ष में पढ़ते रहे। फिर लिख दो कोलकाता, डैश करके लिख दो BA, इलाहाबाद डैश करके लिख दो MA, ठीक है। फिर उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे, ये वर्ड अच्छे से याद करना, शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय। अब इसको कैसे लिखोगे, वहीं पे नीचे वाली लाइन में एक पॉइंट डाल के लिख दो शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय बड़ा बड़ा। अब उसके नीचे बुलेट पॉइंट्स में लिखते जाओ, तो मैं बता रही हूँ पहला लिख लो कि उन्होंने रामकथा उत्पत्ति और विकास, ये पहला पॉइंट लिख दो, ये उन्होंने पूरा किया है वहाँ पर। फिर दूसरा लिख दो मातरलिंग की प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का नीलपंछी में रूपांतरण, ये लिख दो दूसरा तुम उसमें, ठीक है। और तीसरा तुम लिख दो, फिर दो ही है इसमें तो बस इतना करने का। फिर ये सेंट जेवियर्स, जो ये सेंट जेवियर्स कॉलेज है, सेंट जेवियर्स कॉलेज, इनको भी फिर ऐसे ही जैसे तुमने शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय को लिखा वैसे ही बड़ा बड़ा सेंट जेवियर्स कॉलेज लिख दो। अब यहाँ पे भी पॉइंटर्स में लिखते जाओ, तो जहाँ तुम सेंट जेवियर्स कॉलेज लिख रहे हो वहीं पर कॉमा करके रांची लिख दो। अब उसके बाद फिर पॉइंटर्स में लिखते जाओ संस्कृत, हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष, तो तुम इतना बड़ा ना लिखो, तुम सिर्फ अगर तुम्हें पता है हिंदी और संस्कृत तो तुम ऐसे लिख दो विभागाध्यक्ष और ब्रैकेट में लिख दो हिंदी प्लस संस्कृत। उसके साथ ही साथ दूसरे पॉइंट में, दूसरे बुलेट पॉइंट में लिखो अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, कोश यानी डिक्शनरी होती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट एक और है इनका, बाइबल, बाइबल का अनुवाद थर्ड पॉइंट लिख दो, ठीक है। इस तरह से तुम्हें जो है इसमें लिखना है, बाइबल का अनुवाद तुम्हारा थर्ड पॉइंट हो गया। तो इस तरह से तुम्हें ये पूरा बना देना है, ठीक है, समझ में आ गया तुम सही से। ये ऐसे ही बिल्कुल बनाओ, तुमको इजीली मैं बता रही हूँ तुमको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे भी अभी तक ये चीज़ बाय हार्ट याद है, क्योंकि मैंने इसको जब लिखा तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा आसान लगा। अगर तुम पैराग्राफ पढ़ते हो तो तुम्हें डिफिकल्ट लगेगा, पर अगर पॉइंटर्स में पढ़ोगे तो ईजी रहेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए यहाँ पर ट्रिक और टिप्स थी। अब आगे बढ़ते हैं, वो बीमार पड़ गए, ठीक है। फिर वो पटना आए, दिल्ली आए और दिल्ली से चल बसे, कहाँ कितने साल रहे हो, 47 ईयर्स जो है वो हमारे देश में रहे और 73 ईयर्स की वर्ष, मतलब कि जब वो 73 साल के थे तब वो जो है वो उनका देहावसन जो है वो हो गया। अब फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे, ये क्वेश्चन आता है कि कैसे कह सकते हैं फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे, और कभी कभी लगता था कि मन से सन्यासी नहीं थे। क्यों? क्योंकि देखो सन्यासी को क्या हम समझते हैं, सन्यासी का मतलब ये हो जाता है कि वो किसी से वैसे लगाव नहीं रखते, प्रेम नहीं रखते, बिल्कुल बिल्कुल अलूफ रहते हैं ना सन्यासी लोग, तो उनको फैमिली वैमिली से कोई रिलेशन नहीं, दोस्त वगैरह नाते रिश्ते उनके कुछ नहीं होते। तो ये बताया गया है इसके बारे में कि फादर की उसके फादर भी जो थे वो इस प्रकार के नहीं थे, बल्कि वो भी एक सन्यासी थे परंतु फिर भी जो है वो इस प्रकार के नहीं थे। तो ऐसा क्यों बताया गया कि देखो रिश्ता बनाते, पहला पॉइंट हो जाएगा कि वो किसी से भी यदि रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। जैसे कि वो बता रहे थे ना कि मैं 35 साल से उसका साक्षी था, वो कह रहे थे ना, तो वही बात बता रहे हैं लेखक कि वो जब भी रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। तो ये बता रहे हो, फिर वो कह रहे हैं कि 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी, है ना। तो मतलब वो अगर किसी के साथ रिश्ता बनाते थे तो कभी उसको तोड़ते नहीं थे, ये बताया गया है इसमें। उसके बाद तो बताते हैं वह अब भी दिल्ली जब भी दिल्ली आते थे तो हमेशा मिलते ही थे फादर उनसे, लेखक से फादर, ठीक है। उनको खोज करके समय निकाल करके, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, कोई भी मौसम हो, उनसे मिलते ही मिलते थे, चाहे 2 मिनट के लिए मिले
कैसे भी समय निकाल कर उनसे मिलते थे, जैसे कि इस प्रकार कोई सन्यासी लोग नहीं करते हैं, है ना, वो किसी से मिलते मिलते इस तरह से नहीं है। यह कौन सन्यासी करता है, उनकी चिंता। दूसरा पॉइंट है हिंदी की राष्ट्र, हिंदी को राष्ट्रभाषा की तरह जो है वो देखना चाहते थे, और इसके लिए वो हमेशा अकाट्य तर्क यानी कि अकाट्य तर्क का मतलब ये बता रहे हैं कि ऐसे तर्क देते थे जिन तर्कों को कोई काट नहीं सकता, इस प्रकार के जो है वो तर्क हिंदी के लिए दिया करते थे। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनना एक जैसी। सांत्वना का मतलब यही होता है कि जब हम किसी को पैलेट करते हैं, कॉन्सोलेशन टाइप होता है सांत्वना, तो बेसिकली यही होता है कि हम किसी को शांत करते हैं, जब किसी के साथ कुछ बुरा हो जाता है तो उसको एक तरह से सांत्वना दे देते हैं, है ना, तो उसी को सांत्वना हम कहते हैं कि मतलब इस तरह से कुछ अच्छे शब्द बोलते हैं ताकि उसको थोड़ा सा शांति मिले उस समय पर। तो ये बता रहे हैं कि सांत्वना के जादू भरे शब्द सुनते थे जो कि कुछ इस प्रकार थे, ऐसे शब्द होते थे जो किसी गहरी तपस्या से ही किसी को मिलते होंगे, ऐसे शब्द बता रहे हैं। अब देखो, हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह, किसने बोला है, फादर कामिल बुल्के ने ये कहा है, और कब कहा है ये भी याद रख लेना, ये दो मार्क्स में आ सकता है। तो किसने कहा है, फादर कामिल बुल्के ने, और ये कब कहा है, जब उनकी पत्नी और पुत्र की मृत्यु होती है, लेखक की पत्नी और पुत्र की मृत्यु हो जाती है उस समय जो है फादर कामिल बुल्के लेखक को यह सेंटेंस जो है वो बोलते हैं, वाक्य बताते हैं। आज वह नहीं रहे, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला, बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया, जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूंजी उंगलियों को उलझाए ताबूत की, जिस ताबूत मतलब होता है वो जिसपे जब कोई किसी की डेथ होती है तो उनकी डेड बॉडी को जिस उस पर रखते हैं ना, बिल्कुल लकड़ी वगैरह का बना देते हैं, किसी भी चीज़ का वो बना हुआ रहता है उसके ऊपर रखा जाता है, उसे ताबूत कहते हैं। और वैसे ऑब्जेक्ट भी होते हैं जैसे बॉक्स वगैरह भी, बॉक्स जैसे ही समझ लो आप, कभी कभी उसे बॉक्स भी हम कह सकते हैं, तो वो ताबूत कहलाती है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ताबूत में जो है, जिसे हम लाने के लिए कोई भी संदूक, कोई भी बक्सा टाइप का होता है वैसे ताबूत, तो कह रहे हैं कि ताबूत में जिसमें यानी उनके शरीर पर जो है उसमें पड़ी हुई थी, जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर थिर थी, उनका चेहरा बिल्कुल थिर हो चुका था, तरलता जम गई थी। 18 अगस्त 1982, ये डेट आपको याद रखनी होगी, और एक डेट इसमें है और एक डेट जो है वो आपके उस चैप्टर में है, किसमें, यतीन्द्र मिश्र वाले चैप्टर में, नौबत खाने में इबादत। तो उन दोनों डेट में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि शायद मंथ दोनों का सेम ही, अगस्त अगस्त ही आई थिंक, सो कुछ ऐसा ही है, बट उसमें कंफ्यूज मत होना, इस डेट को यहीं पे याद कर लो ताकि उस समय प्रॉब्लम ना हो। 10 बजे का समय बताया जा रहा है, इसको भी तुम चाहो तो जैसे मैंने बताया तुम्हें ऊपर वाली ट्रिक, उसको यूज़ कर सकते हो, लिख लो 18 अगस्त 1982 10 बजे ऊपर, ठीक है, दिल्ली का कश्मीरी गेट, ठीक है, ये लिख लो कि सामने की कब्रगाह, कब्रगाह यानी कि जहाँ पे बहुत सारी कब्रों को, मतलब कब्रिस्तान होता है ना जहाँ बहुत सारी कब्रों को रखा जाता है, कब्रगाह मतलब कि वो जगह जहाँ एक कब्र को हम दफनाते हैं उस जगह को कब्रगाह कहते हैं। मैं उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से जो है उतारा गया है, कुछ पादरी रघुवंश जी जो उनके मित्र रह चुके थे, अभिन्न मित्र हमने पढ़ा था, उनका बेटा है, उनके कुछ अपने परिजन भी हैं राजेश्वर सिंह, उनसे उतार रहे हैं, तो ये लोग उसको उतारने में लगे हुए हैं। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र, वो जो कब्र यानी कि वो जो गड्ढा खोदा हुआ था उसे बता रहे हैं, अब वाक मुंह खोले लेटी हुई थी, मतलब उसने पूरा मुंह खोल रखा था, मतलब पूरी जो गड्ढा था खुला हुआ था कि कब वो व्यक्ति हमारे अंदर आ जाए, इस प्रकार से बता रहे हैं। ऊपर करील की घनी छांव, करील कांटेदार वृक्ष होता है, उसकी घनी छांव थी, और चारों ओर जो है कब्रें और तेज धूप के वृत्त, ठीक है, धूप है वहाँ पर, चारों कब्रें ही होती है कब्रिस्तान में। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसन, सफ़ेद कपड़े टाइप्स, ठीक है, गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश जो उनके दोस्त थे भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों में दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र के चारों ओर। तो ये सब लोग जब कब्र के चारों ओर सिमटे हुए, अब देखो उसमें तुम ज़्यादा नाम ना भी याद कर पाओ तो दो चार, कम से कम 5 नाम याद कर लेना, या 2-3 नाम तो याद कर ही लेना, क्योंकि कुछ कुछ तो लिखने पड़ेंगे अगर क्वेश्चन आता है तो, कुछ कुछ याद कर लो, डॉक्टर निर्मला जैन, ठीक है, रघुवंश, और यहाँ पर 3 लोगों का नाम है, राजेश्वर सिंह, पादरीगण और रघुवंश जी का बेटा, ये तो लिख ही लेना, और उनके कुछ परिजन लिख देना, ठीक है, तो कुछ कुछ तो तुम लिख ही लेना, 2-4 नाम, वैसे रिवाइज करोगे बार बार तो 2-4 नाम तो याद हो ही जाएंगे, ठीक है।
मसीही विधि से हुआ है उनका अंतिम संस्कार, ठीक है, मसीही विधि से अंतिम संस्कार हुआ है उनका रांची के फादर पास्कल तोइना द्वारा। हाँ ये भी याद रख लो, उसी वो जो तुमने बनाया अपना वहीं पे लिख दो कि उनका जो ये हुआ है तो फादर पास्कल तोइना द्वारा जो है उनका अंतिम संस्कार हुआ है। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की, यानी कि मसीही विधि से तो की उन्होंने प्रार्थना, पूरी विधि मसीही में थी लेकिन उसका जो प्रार्थना हुई है वो हिंदी में की गई है, ठीक है, मतलब पूरा मेथड जो है वो मसीही मेथड है, क्रिश्चियन मेथड है, लेकिन उसकी वो जो है जो उच्चारण वगैरह हुआ है वो हिंदी में किया गया है। फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज के रेक्टर फादर पास्कल, ये भी एक वहीं सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ा था ना कि वो उन्होंने काफ़ी काम भी किया है सेंट जेवियर्स कॉलेज में, तो उन्हीं के रेक्टर फादर पास्कल की बात कर रहे हैं कि उन्होंने उनके जीवन पर और उनके कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा। ये किसने कहा है? रेक्टर फादर पास्कल ने, ये वर्ड याद रख लेना सेंटेंस, फादर बुल के धरती में जा रहे हैं, इस धरती में ऐसे रत्न और पैदा हो, ये कहा है आपके फादर पास्कल ने जो कि सेंट जेवियर्स के थे, ठीक है। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उन्हें अनुकरणीय जीवन को नमन किया, उनके अनुकरणीय जीवन को जो है, अनुकरणीय यानी कि जिसको हमें अपने अंदर अनुकरण सीखना चाहिए उनसे कुछ, तो उनके अनुकरणीय जीवन को जो है उन्होंने नमन किया। फिर देह ज्योति उसे कब्र में उतार दिया गया, ठीक है, बताया जा रहा है। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है, ऐसा क्यों कहा गया है कि नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है? देखो क्योंकि इतने ज़्यादा लोग थे कि उनको लिखना भी मुश्किल है लेखक के लिए, ये बताया जा रहा है, ठीक है। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हमने से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा, सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाता खड़ा था। तो उनको उन्होंने मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है, फादर कामिल बुलके को। मैंने पहले पिछले वाली वीडियो में बता दिया मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्या है, ठीक है, तो जिसको नहीं पता वो वीडियो लेक्चर देख लो, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। वैसे तो हमें पता ही है मानवीय करुणा यानी कि मानव की जो दया भावना है उसकी सबसे मैक्सिमम जो पिनेकल है दिव्य चमक है, उसके बारे में बताया गया। वैसे और अच्छे डिस्क्रिप्शन नहीं आ रहा समझ में तो उसमें जाके देख लो, उसमें मैंने काफ़ी लंबा डिस्क्रिप्शन दे दिया है मानवीय करुणा की दिव्य चमक वर्ड को समझाने में, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच, तो बता रहे यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ, वो कह रहे हैं कि मैं आज भी उस पवित्र ज्योति को श्रद्धा से, मैं श्रद्धा भाव से देख रहा हूँ, श्रद्धानत हूँ, भक्ति युक्त जो है मेरा उनके लिए पूज्य भाव हमेशा रहेगा। तो ये आपका चैप्टर जो है यहीं पर एंड होता है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को भी आप ज़रूर देखिएगा और सेकेंड पार्ट ये रहा आपका, ठीक है। उसके साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इतना कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, सपोर्ट करो, ठीक है, ताकि वीडियोस बनती रहें, और कमेंट्स भी करो, क्वेरीज लिखो, और साथ ही साथ में अगर कुछ मॉडिफिकेशंस, कुछ और ज़रूरत है, कुछ लग रहा है कि बेटर हो सकता है तो वो भी बताओ, ठीक है। और तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।